11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। सोमवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने जनसंख्या बढ़ोतरी को सामाजिक विकास में बाधा बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने खासकर अपने राज्य यूपी के बारे में कहा कि जनसांख्यिकी असंतुलन नहीं पैदा होना चाहिए। ऐसा न हो कि एक वर्ग विशेष की आबादी तो तेजी से बढ़ जाए और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनकी आबादी कम हो जाए। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। उन्होंने किसी मजहब या किसी एक वर्ग का नाम भले ही न लिया हो लेकिन जिस तरह से उनका ये बयान आया है उससे आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि योगी का ये बयान किस संदर्भ में है। दरअसल जनसंख्या को लेकर भारत में बहस चलती ही रहती है और जनसंख्या के मुद्दे के बीच हिंदू मुस्लिम का शोर शुरू हो जाता है। इसका भी एक बड़ा कारण है, आइए आपको ले चलते हैं 7वीं कक्षा में। दरअसल NCERT की 7th क्लास की किताब में एक लाइन लिखी है कि जनसंख्या एक ऐसा संदर्भ बिंदु है जिसके सहारे दुनिया की हर परेशानी की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस परेशानी की असली वजह जनसंख्या ही हो। भारत में कई सालों से जनसंख्या को इस तरह से दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि भारत की सारी समस्याओं के लिए जनसंख्या ही जिम्मेदार है, बेरोजगारी और गरीबी के लिए जनसंख्या जिम्मेदार है और तो और कोरोना से लड़ने में भी जनसंख्या ही बाधक है। और हद तो तब हो जाती है जब एक तबका ये कहने लगता है कि मुस्लिमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इससे हिंदुओं पर खतरा है। योगी ने चिंता जताते हुए कहा कि जिन देशों की आबादी ज्यादा होती है वहाँ जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी फिक्र है क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर भी इसका असर पड़ता है। उन्होंने शिशुओं के जन्म के समय होने वाली दुश्वारियों पर भी अपनी चिंता प्रकट की। हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल कम है इसका अंदाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। यूपी में अभी करीब 24 करोड़ की आबादी है जो कुछ ही समय में 25 करोड़ को पार कर जाएगी। देश और दुनिया की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। योगी ने कहा कि ये स्पीड एक चुनौती है, हमें इसके स्थिरीकरण के लिए कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में हो रहे बेहतरीन प्रयास को जन सहभागिता और अंतर विभागीय समन्वयन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। इस अभियान में आशा बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर, शिक्षक, त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी महिलाओं की भागीदारी अगर जनसंख्या बढ़ाने के लिए हो सकती है तो उस पर नियंत्रण के लिए भी वो सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पुरुषों को इस बारे में जागरूक नहीं होना है, बल्कि पहल तो पुरुषों को ही स्त्री के साथ मिलकर करनी होगी और राज्य समेत देश को खुशहाल बनाने की दिशा में सतत प्रयास करने होंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। जंगल का भालू, जंगल का मोर, शेर की दहाड़ से मस्ता है शोर, द जंगल शो आज तक डिजिटल पर।